गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। नमस्कार, मैं अथर्व भार्गव आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हमें जो भी शिक्षा देते हैं वे सब ही गुरु होते हैं। यह कहानी महाभारत में द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर के बीच की है। द्रोणाचार्य जब कौरवों और पांडवों को यह एक अध्याय सिखा रहे थे कि क्रोध करना हमारे लिए अच्छा नहीं है और हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, तभी उसके बाद उन्होंने सारे कौरवों और पांडवों से कहा कि उसका मतलब समझाए और बताए। सारे कौरवों ने बता दिया और चारों पांडवों ने भी बता दिया, लेकिन युधिष्ठिर नहीं बता पाए। तभी द्रोणाचार्य ने उन्हें कहा कि अगले दिन उसे समझ के वापस से मुझे उसका अर्थ समझाए। अगले दिन द्रोणाचार्य ने फिर उनसे पूछा, तो भी वह बोले कि नहीं, मुझे नहीं समझा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दो दिन का समय और देता हूँ। जब दो दिन बाद भी वह नहीं बता पाए, तब वह बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता है, और उसे धूप में खड़ा करके मारने लगे। द्रोणाचार्य ने कहा कि अब से तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है। तो उन्होंने बोला, अच्छा, मैं मारने लगा तो तुम्हें समझ आ गया? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे यह अध्याय तो समझ आ गया था, लेकिन मुझे यह देखना था कि मैं यह पाठ को अपने जीवन में लागू कर सकता हूँ कि नहीं। तब द्रोणाचार्य निरुत्तर हो गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि वह जो सिखा रहे थे कि क्रोध करना अच्छा नहीं है, वो वही क्रोध कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यह पाठ तुमने मुझसे बेहतर सिखाया है, इसलिए तुम मेरे गुरु हो। धन्यवाद।